अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एट डे फोर में जो हमारा वर्क है वो एक्सरसाइज वन पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 13 है। दोबारा कह रही हूँ, इंडेक्स आपका रोज़ाना मेंटेन होना चाहिए बेटा। इंडेक्स आपका रोज़ मेंटेन हो, इन डेट प्रॉपर हो, एक्सरसाइज मेंशन हो। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले मुझे एक करेक्शन करवानी बेटा आपसे। आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आप लोगों से कल सी पार्ट जो है, सी सेट्स जो है कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो सेट्स पे अप्लाई होती है। लेकिन मैंने उसके लिए एक न्यू चीज़ प्लान की है कि आपको अंदाज़ा हो जाए अगर आपको थ्री सेट्स गिवन है तो आप उसको किस तरीके से ब्रेक करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई कर सकते हो। दोबारा मैं रिवाइज करवा दूँ, व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ऑर्डर पर काम करते हैं, ऑर्डर को तब्दील कर देते हैं। यूनियन की बात होती है तो हम यूनियन लगाते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस किया था। हमने जो है ए यूनियन बी को के ऑर्डर को तब्दील करके बी यूनियन ए कर दिया था, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई हो गई थी। लेकिन हमारे पास सी सेट भी मौजूद था जो मैंने आपसे कल कैंसिल करवा दिया था, तो आप लोग ने कैंसिल नहीं करना है उसको। आपने वाला क्वेश्चन कर लिया होगा तो कोई इशू नहीं है, आप आगे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद भी। आपने जब एक स्टेटमेंट ये बनाई थी, ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होता है, तो आप दूसरी स्टेटमेंट कर लीजिएगा सॉल्व। ए और बी की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं बी यूनियन सी की, तो जाहिर सी बात है इसका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा सी यूनियन बी। ये आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट हम बना सकते हैं ए यूनियन सी के साथ। ए को सी के साथ कंबाइन कर हमने यूनाइट कर दिया ए को सी के साथ, तो उसका अपोजिट कर दें तो सी यूनियन ए हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बी यूनियन सी इक्वल्स टू सी यूनियन बी पे भी अप्लाई हो जाएगी और ए यूनियन सी इक्वल्स टू सी यूनियन ए पे भी अप्लाई हो जाएगी। याद रखिएगा बात, जब भी हमारे पास थ्री सेट्स गिवन हो तो हम इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि पहले ए को बी के साथ कंबाइन कर दें, फिर बी को सी से कंबाइन कर दें यूनियन में, जो भी गिवन हो यूनियन या इंटरसेक्शन, और फिर हम ए को सी के साथ कंबाइन कर अपनी थ्री स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो ये करेक्शन मैंने करवा दी है। आपने ये पार्ट सॉल्व कर लिया होगा तो उसके बाद 12 कर लिया होगा, कोई इशू नहीं है। आप उसके बाद ये सेकेंड और थर्ड पार्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 की आपने क्वेश्चन लिख देना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, हमारे पास दो सेट्स गिवन है, थ्री सेट्स गिवन है, ए बी और यू। ए बी और यू, यू सॉ यूनिवर्सल साथ हमें प्रूव करना है डिमॉर्गन्स लॉ। व्हाट इज डिमॉर्गन्स लॉ, तो पेज रेफरेंस दे देती हूँ डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में। अच्छा बेटा, डिमॉर्गन्स लॉ हम समझ लेते हैं कि क्या है। हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास पेज नंबर 17 पर है बेटा। जितने भी मैं आप लोग से कोई थ्योरी वगैरह डिस्कस करती हूँ लेक्चर में, आप काइंडली उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर लिया करें और आपकी काम आएगा। जिस प्रीवियस भी मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन की थी और उससे प्रीवियस भी, तो आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखें और मार्क कर लें। डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ने के लिए हम ये पढ़ लेते हैं। ऑगस्टस डिमॉर्गन वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन हु लिव्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ऑगस्टस डिमॉर्गन बेसिकली ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, 18th सेंचुरी के दौरान की बात हो रही है। ही डेवलप टू इम्पॉर्टेंट लॉज यूज इन सेट्स। इसने दो इम्पॉर्टेंट लॉज जो है इस्तेमाल किए थे सेट्स में, जिसको जो है फर्स्ट और सेकेंड लॉ के नाम से, डिमॉर्गन्स लॉज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो इक्वल्स टू के उस तरफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों आपने याद करने हैं लाजमी। इन दोनों लॉज को आपने डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से याद रखना है। फर्स्ट लॉ में हमारे पास यूनियन है इस तरफ और इस तरफ इंटरसेक्शन है, इस तरीके से सेकंड लॉ में इस तरफ हमारे पास इंटरसेक्शन और उसके बाद यूनियन है, और ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब आपने पूरी सही से याद रखना है। इसको अच्छे से, इसको पांच पांच छह छह मरतबा आप इसको अपने पास लिखकर याद भी कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से ये आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये स्टेटमेंट दी जाए, आपको जो है जस्ट डिमॉर्गन्स लॉ भी दे दिया जाए तो आपको ये दोनों खुद से प्रूव करने होंगे। जैसे हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में खुद से हम लोग, हमें याद थे तो हमने प्रूफ किए थे, इसी तरीके से डिमॉर्गन्स लॉज भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं बेटा, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है कि डिमॉर्गन्स लॉ जो है हम क्यों यूज़ करते हैं कॉमनली इन द स्टडी ऑफ लॉजिक। लॉजिक एक ब्रांच है कि मैथमेटिक्स से, सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि लॉजिक एक ब्रांच है मैथमेटिक्स से जिसमें हम डिमॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स में बात की गई है कि अगर हम व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बताई गई है। वैसे तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, लेकिन आपसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास रिस्पेक्टिव ये गिवन सेट ए है, वो राजमी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, क्योंकि आपको ये बात पता है ना कि यूनिवर्सल सेट में हर वो सेट मौजूद होता है जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारे अंडर कंसीडर होता है। हमेशा याद रखिएगा, जिस सेट पे हम गिवन सेट पे काम कर रहे होते हैं वो हमारा सेट यूनिवर्सल सेट में मौजूद होता है, इसलिए वो सबसेट कहलाता है। और हम जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो जो उस सेट में एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते हैं
वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का आंसर आता है, यानी कि हम यूनिवर्सल सेट में सिर्फ ए सेट को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास वो आंसर आएगा जो हमारे इस जो हमारे पास ए सेट में एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते हैं, वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि हमेशा याद रखिएगा जो भी हमारे अंडर कंसिडरेशन हमारे पास सेट होता है वो हमेशा लाजमी सबसेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट का सबसेट क्या होता है मैं सब चीज़ आपको बता चुकी हूँ। मूविंग टूवर्ड्स सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व डी मॉर्गन्स लॉ, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट लॉ में हमने क्या याद किया है जो कि आपने याद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, उसी के साथ हमारे पास राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे मौजूद है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड पे। तो हम सबसे पहले इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में से हम सबसे पहले किस पे काम करेंगे, ए यूनियन बी पे, क्योंकि हम ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर इसको मालूम करेंगे। ए हमारे पास गिवन है, ए सेट हमारे पास क्या है बेटा मेरे 1 2 3 4, और हमारे पास जो बी सेट है बेटा मेरे वो है हमारे पास 3 4 5 6। तो हमने यूनियन करना है, यूनाइट करना है इसको। तो हमें पता है अच्छे से कि यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। यूनियन में मतलब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं अरेंज करके 1 2 3, हमारे पास यूनियन में हम दोनों सेट्स को कंबाइन कर रहे हैं अरेंज करके 1 2 3 4 5 6, ये आपको आता है। उसके बाद जब हमारे पास ए यूनियन बी आ गया तो हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले ए यूनियन बी पे काम किया, अब हम इसको ए यूनियन बी फाइनली हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे इसका मतलब है क्या, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हमें यूनिवर्सल सेट से पूरे ए यूनियन बी को क्या करवाना है, माइनस करवाना है। चाहे तो आप इसको यूनिवर्सल सेट को अपने लाजमी से बात है पहले लिखना है, जो कि हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है यूनिवर्सल सेट। और हमारे पास ए यूनियन बी जो हमने निकाला था अभी वो हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 6, और हमने क्योंकि दोनों को माइनस करवाना है कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना था इन दोनों का हमने यूनिवर्सल सेट का बेटा, यूनिवर्सल सेट का, और हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो हमने देखा कि क्या हमारे पास कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, और हमारा आंसर क्या आ गया है, एम्प्टी सेट, नल सेट, जिसे आप बोल सकते हैं या आप ये यूज करें या फिर आप ये दोनों को एक साथ आपने मिलाना नहीं है, ये दोनों नल सेट के सिंबल हैं। याद रहे नल सेट एम्प्टी सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहता है। जी बेटा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो लॉ के अकॉर्डिंगली हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने सबसे पहले इस राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड करना होगा, यानी सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हमें यूनिवर्सल सेट से ए सेट को माइनस करना है। यू सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, और हमारे पास जो ए सेट है बेटा मेरे वो क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है हमारे पास। माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है ए कॉम्प्लीमेंट में माइनस करते हैं, हमारे पास 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और हमारे पास क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेगा यूनिवर्सल सेट में, 5 और 6, जो कि हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के सेट बन जाएगा। अब हम मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमें यूनिवर्सल सेट से बी सेट को माइनस करना है। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, ये सब चीज़ें आपको आती हैं बेटा। सिर्फ मैं दोबारा आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रिविजन हो जाए। बी सेट हमारे पास क्या है बेटा, बी सेट हमारे पास 3 4 5 6 है, क्योंकि माइनस करना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने, तो हम माइनस कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल सेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो आ जाएगा 1 एंड 2 आ जाएगा। फाइनली हमने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड, हमने ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना था बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और हमने फाइनली फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का क्या सेट आया था हम देख लेते हैं। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आया था फाइनल वो 5 और 6 आया था, और हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आया था हमारे पास क्या आया था 1 2, क्योंकि हम दोनों इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का हमने इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमने लास्ट में लाजमी शो करना है कि हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं।
तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है तो हमारे पास नल सेट आ जाएगा। याद रहे बात, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स कॉमन मेंबर्स। याद रहे जो हमारे पास सेट्स में वैल्यूज या कुछ भी लिखा होता है हम उसे एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। तो हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास क्या एंड में लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास दोनों बराबर आई हैं। देख सकते हैं आप जैसे कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई है फाइनली, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी हमारे पास क्या आई थी, नल सेट। तो हम एंड में क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ प्रूव हो चुका है। इसी तरीके से आपने सेकंड लॉ करना है, इसी तरीके से आपने सेकंड लॉ करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। इंडेक्स मेंटेन करना है। जजाकल्ला।